संसद सत्र के पहले दिन दिल्ली हिंसा को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल दागे जिसमें सरकार असहज महसूस कर रही थी। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए भाजपा ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी दल से बड़ा देश है और अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूँ तो मेरे ऊपर सवाल उठाया जाता है। हमको देश हित की लड़ाई लड़नी है, हमको देश हित को बड़ा रखना है और दल हित को पीछे रखना है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व पीएम को भारत माता की जय कहने में भी बू आती है। आजादी के समय इसी कांग्रेस में कुछ लोग वंदे मातरम बोलने के खिलाफ थे, अब इन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो रही है। सदन में पहले दिन दिल्ली हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी सांसद संजय सिंह का कहना है कि सरकार दिल्ली दंगों पर चर्चा से क्यों भाग रही है, अब तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। वहीं कांग्रेस भी चाहती है कि सरकार दिल्ली दंगों के मामले में चर्चा करे और प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए आजाद ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आजाद ने कहा कि भड़काऊ भाषण देने का काम भाजपा के नेताओं ने किया है जिससे माहौल खराब हुआ। दिल्ली दंगों के पीछे केंद्र सरकार खुद थी। इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता और सांसद जीवीएल नरसिंहा राव ने कहा कि दिल्ली हिंसा पर सरकार बहस करने को तैयार है लेकिन विपक्ष को सरकार की बात सुननी होगी। राव के मुताबिक कि हम संसद को सड़क की तरह विपक्ष की बंधक बना देना नहीं चाहते। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।